बाहर कहाँ पहुंचेंगे? हाँ पहुंचेंगे नई दुनिया में। देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ था ये। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी अभी ये पेड़ हिल रहे हैं और नीचे आपको दिख सकता है कि ये पेड़ टूटा हुआ है। मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा किस तरह से टूटा है ये पेड़। यहाँ पर टूटी है एक चीड़ के पेड़ की टहनी। ये हमारे पहाड़ों में ये पेड़ होते हैं, देवदार, चीड़ और इस अलग अलग वैरायटी के पेड़ होते हैं। हम पहुँच गए इस जगह पे, यहाँ कहते हैं डमार टोल, और यह है बहुत बड़ी सी चट्टान और इसके अंदर है एक गुफा। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से, तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या है इस गुफा के अंदर। अब चलते हैं, मैं और सतीश जा रहे हैं, पहली बार मैं भी जा रहा हूँ, मैं कभी गया नहीं उस गुफा के अंदर। कहाँ तक जाती है ये गुफा और पता नहीं क्या है इसके अंदर, देखेंगे हम। अंदर तक देख सकते हैं आप, काफी ऊपर तक चढ़ने के लिए है, लेकिन काफी सक्रिय रास्ता है, काफी तंग रास्ता है। ऐसे लग रहा है जैसे मान लो चट्टानों के अंदर घुस गए हैं हम, बड़ी बड़ी। ऐसे मौसम में ऐसी गुफाओं में घुसना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि कभी भी कुछ भी जंगली जानवर हमें मिल सकते हैं। तीज दिख रहा है तुम्हें कुछ? हमें छिंडा दिख रहा है, छिंडा। क्या है आगे? छेद, इतना बड़ा छेद, और जहाँ से हम निकल सकते हैं बाहर। बाहर कहाँ पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे नई दुनिया में। हम पहुंचेंगे एक नई दुनिया में। ये देखिए, और सुरेंद्र भाई रह गए नीचे। मैं और सतीश पहली बार दोनों ही घुसे हैं इस गुफा में, और कहा जाता है कि इस गुफा में यहाँ से घुस के मलाना तक पहुंचा जाता था। काफी कुछ कहानियां, ऐसी रोचक कहानियां जुड़ी जाती है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। और अब ये गुफा बंद की गई है पत्थर के द्वारा, तो अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं। जंगल में कभी भी ऐसी गुफा के अंदर आप घुस जाएं तो काफी ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि कोई भी जानवर आपके आमने सामने आ सकता है। वो सांप हो सकता है या कोई भालू हो सकता है। ये देखो गद्दी कुत्ता, ये ब्रीड पाई जाती है पहाड़ों में, जहां पर भेड़ वगैरह रखते हैं, ताकि ये इनकी चौकीदारी करते हैं जंगलों में। और यहाँ पर है हमारे भाई साहब की भेड़ें, हम आए हैं इनके घर में, तो देखिए ये भेड़ पालन का काम करते हैं और अभी इनको चारा वगैरह दे रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा कुत्ते हैं यहाँ पर इनके घर में। देखिए छोटी सी भेड़ भी है, और इन भेड़ों के कानों में लगे हैं टैग, इसमें इनकी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ऐसे ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए भेड़ का मीट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो मैं भाई साहब को अपनी लोकल लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि हमें भी गिफ्ट कर दे एक या दो भेड़। यहाँ देखिए भाई साहब ने हमारे लिए गर्मा गर्म बना लिया है, थुपा स्टाइल में बन गया है, काफी ज्यादा टेस्टी बना है ये थुपा, और सर्दियों में बहुत अच्छा होता है ये खाना, क्योंकि पूरे शरीर को गर्म रखता है और चाइनीज फूड में आता है ये, तो इसमें सूप भी होता है गर्मा गर्म। बर्फबारी थोड़ी देर से रुक गई है, और यहाँ देखिए किस तरह से खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, पूरी वैली का चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बादल, और बहुत ही सुंदर दृश्य है। आगे पता नहीं शायद कोई पेड़ तो नहीं टूट गया है, या पता नहीं कुछ तो हो गया है, आगे जेसीबी लगा है, तो देखते हैं आगे जाके। ओ यहाँ पर देखो ये पेड़ टूट गया है और जेसीबी से इसे साइड कर रहा है, और यहाँ से रोड को निकाल रहे हैं।
काफी बड़ा पेड़ है ये, और ये रोड के बीचों बीच गिर गया था जिसे जेसीबी से साइड किया जा रहा है, और अगर कोई भी गाड़ी नीचे से जा रही होती तो ये शायद उसके ऊपर भी गिर सकता था। ऐसे मौसम में काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो सावधानी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। रोड के बंद होने से लग गया है काफ़ी ज़्यादा जाम, और हम भी निकल पड़ते हैं आगे की ओर। यहाँ देखिए बाइक में भी जा रहे हैं, और कितना रिस्की होता है बाइक में। अभी जा रहे हैं हम घर की ओर, और बर्फबारी फिर से लग गई है। अभी मैं पहुंच गया हूं घर पे, और ये देखिए अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। एंड आज के इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी एक अच्छे से व्लॉग में। टिल देन बाय बाय दोस्तों।